नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि यह आखिरी चुनाव हो। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को इस बात को समझना होगा। चिदम्बरम ने आगे कहा कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया एक और कदम। अस्त्र शक्ति अभ्यास में समर वायु रक्षा मिशन प्रणाली का किया सफल परीक्षण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सवाल उठाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पुराना क्लब बताया। साथ ही कहा कि सुरक्षा परिषद एक पुराने क्लब की तरह है जहां ऐसे सदस्य हैं जो क्लब से अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि यह मानवीय विफलता है। मुझे लगता है कि आज यह दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति बेहतर करने पर जोर दे रही है, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 18 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की समीक्षा करने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों को सलाह दी कि बच्चों की डिग्री जरूर ले लेनी चाहिए। इस दौरान तेजस्वी ने फर्जी डिग्री लेने वालों पर तंज कसा और कहा कि बाजार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध पर पहली बार बोले पीएम मोदी, बताया घटना को पीड़ादायक और चिंताजनक। कहा सभी को एक साथ समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे मुद्दे पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। आगे पीएम ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। पंजाब कांग्रेस की युवा इकाई के कार्यकर्ता ने राज्य में कानून व्यवस्था के बदतर हालात का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। गीता महोत्सव के शुभारंभ के लिए पत्नी के साथ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर अनिल विज ने किया स्वागत। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूरोप में अवैध प्रवासियों की एंट्री को लेकर चिंता जताई है। पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि कुछ दुश्मन लोगों के पलायन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि समाज को जानबूझकर अस्थिर कर सके। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम वाराणसी पहुंचे हैं, जहां कल तक पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने की भी संभावना है। वहीं 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। केरल में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 मिलने से बढ़ी टेंशन, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से सतर्क रहने की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि यह किस तरह का विकसित भारत है। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा में भारी चूक है, गृह मंत्री पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं और ये बहुत गंभीर मामला है। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा के खिलाफ एक जनहित मुकदमा दायर किया गया है। दावा किया गया कि संविधान में इन पदों का कोई उल्लेख नहीं है। महाराष्ट्र में एक प्रेमिका पर आईएएस के बेटे द्वारा कथित रूप से कार चढ़ाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मुंबई की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग कल रात को उनके घर पर आए और उनसे जबरदस्ती कुछ साइन कराने की कोशिश कर रहे थे। अब प्रिया सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर केसर सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। सर्दियों में यह कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मददगार होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट में जूनियर क्लर्क और चपरासी भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो कल बंद हो जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो बिना देरी किए ऑफिशियल वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित मिशन सिल्कियारा अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी केंद्र की सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम कानून में भी बदलाव किया है। उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है। आज हर श्रमिक को आइडेंटिटी नंबर दिया जा रहा है। आज अंत्योदय के कल्याण के लिए योजनाएं बन रही है और सभी योजना में पारदर्शिता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन को मिली मंजूरी, 23 प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल का एक उप निरीक्षक बलिदानी हो गया, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही नक्सली बौखला गए हैं और नक्सलियों की कायराना हरकतों को लेकर मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2011 साल पुरानी मिथक को तोड़ते हुए उज्जैन में रात बिताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह आगे भी उज्जैन आएंगे और रुकते रहेंगे। हिमाचल में भाजपा ने आज राज्य की सुक्खू सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली और प्रदेश सरकार की एक साल की नाकामियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिसकर्मी पर हमले में शामिल 3 हाइब्रिड आतंकवादी हुए गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।